नमस्कार, मरुधर्म बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर मैं वही स्थिति पे हूँ जो एक साल पहले स्थिति थी, उसी स्थिति को आज एक बार फिर दिखा रहा हूँ। लेकिन स्थिति में कुछ असमंजस की स्थिति भी पैदा हो चुकी है। क्या कुछ बंद है, क्या कुछ चालू है? जो बंद है वो चालू है, उसका सिमिलर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से पर्याप्त नहीं है। आप देख सकते हैं, मैं हूँ खातीपुरा व्यापार मंडल में, जिसके अध्यक्ष हैं भवानी सिंह राठौड़। मेन खातीपुरा रोड पर खड़े हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं ट्रैफिक का नज़रिया क्या है। ट्रैफिक का नज़रिया जो आम दिन था, डेली दिन था, वो लॉकडाउन के दिन दिखाई दे रहा है। आज लॉकडाउन का पहला दिन है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुरुवार की देर रात 11:30 बजे एक ट्विटर पर ट्वीट आया था, जिसमें उन्होंने 2 दिन का वीकेंड लागू किया था। 2 दिन का वीकेंड शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक था। लेकिन आनन फानन में रविवार रात 11:30 बजे की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो सूबे के मुखिया हैं, उन्होंने सोमवार 5 बजे से ही, जैसे ही वीकेंड खत्म होगा उसके तुरंत बाद लॉकडाउन लगा दिया, जो 3 मई तक जारी रहेगा। व्यापार पर क्या असर पड़ेगा, इसी को लेकर खातीपुरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। सर, आज कुछ खुला कुछ बंद है। किराने के सामान खुले हैं, कपड़े की दुकान बंद है, अधिकतर दवाइयों की दुकान खुली है, तो अदर व्यवसाय बंद है। खातीपुरा व्यापार मंडल के आप अध्यक्ष हैं, किस किस चीज़ का मुख्य व्यवसाय है यहाँ? देखने को मिल रहा है कि प्रतिष्ठान व्यापारियों ने बंद कर रखा है, लेकिन ट्रैफिक उतना ही है। देखिए, हमारा निवेदन ये है कि माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत महोदय बहुत संवेदनशील है। हम कहते हैं कि जिस तरह लॉकडाउन लगाया है, ये बिल्कुल पक्षपातपूर्ण लॉकडाउन है। ये पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। जिस तरह ट्रैफिक चल रहा है आज, जिस तरह दुकानें खुली हुई है, आप देखिए शराब की दुकान खोल दी गई है। एक आम आदमी, जो आदमी गरीब आदमी, जो आदमी बर्तन दुकान चलाता है, जो आदमी दुकान चलाता है कपड़े की, हमारे क्षेत्र में मैक्सिमम दुकान साफ़ है, शेरवानी और इनकी कपड़े दुकान है। जिस तरह से ये लॉकडाउन पक्षपातपूर्ण किया गया है, बताया हमारे व्यापार मंडल में साफ़ है, शेरवानी और कपड़े की दुकान है। आने वाले दिनों में शादी के सीज़न स्टार्ट होने वाले हैं। पिछले दिनों में 1.5 साल से कोई शादी के सीज़न स्टार्ट नहीं हुए, क्या फ़र्क पड़ेगा? जैसे ही कपड़े और ये साफ़ा शेरवानी की आवश्यकता हुई, शादियों सीज़न है, इस शादियों सीज़न से बड़ी उम्मीद थी हमें, हमारे व्यापारी कमर सीधी होने की उम्मीद थी। जिस तरह शादियों सीजन आ रहा है, शादियों में आज दूल्हे को शेरवानी है, कपड़ा है, जूता है, हर तरह की दुकानें जो शादियों में काम में आता है वो सभी बंद कर दी गई है। मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इन दुकानों को खोला जाए। खोलने का समय इनको आप जिस तरह से सीज कर होता है 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, इस तरह का टाइम दीजिए आप, लेकिन इस तरह से नहीं कीजिए कि यहाँ से आप पूरा ही लॉकडाउन कर दीजिए। आप जिसमें सब्जी वाला है या मेडिकल वाला है तो खुलनी चाहिए, इसके अलावा भी आम व्यापारी को राहत देनी चाहिए। हमारे इस व्यापार मंडल में मैक्सिमम व्यापारी जो साफे वाले हैं, इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, ये हमारे मीट की दुकान है, आज कबेला चालू है, जहाँ पर झटका मीट हो रहा है, हराल मीट हो रहा है, वो वहाँ से जा रहा है, इनमें फैक्ट्रियों में जा रहा है, इसके अलावा होटलों में जा रहा है। ये आम आदमी, आम गरीब आदमी कैसे कमाएगा, इसकी व्यवस्था भी देखनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। इसके अलावा हमारे व्यापारी बेकरी वाले हैं, इनके रात दिन मशीन चलती है, अगर बेकरी की दुकान बंद होती है और उसमें लाइट बंद करते हैं तो आइसक्रीम पिघल जाएगी, ये गरीब मरा जाएगा। इस गरीब के प्रति भी सद्भावना होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए गवर्नमेंट को। इसके अलावा हमारे यहाँ और व्यापारी डीजे वाले हैं, डीजे साउंड का जो शादियों में काम चलता है, डीजे साउंड का काम कैसे चलेगा? अभी मौका था, शादियाँ होंगी, तो इसमें भी मैं कहता हूँ कोविड की पालना करते हुए डीजे साउंड को भी अलाउ करना चाहिए। इसके अलावा हमारे गन्ने वाले हैं भंवरलाल जी का देखिए आप, अभी सीजन आया है जूस का, गन्ने का, बेचारा गरीब आदमी किस तरह बच्चों पेट पालन करेगा। मैं चाहूँगा कि इस समस्या का समाधान की जाए। बिल्डिंग मटेरियल है और है, आपने अलाउ कर दिया है, हाँ मिस्त्री काम करेगा, बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग कहाँ से? बिल्डिंग मटेरियल की दुकान बंद पड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान बंद पड़ी है, सैनिटरी दुकान बंद पड़ी है। तो मेरी प्रार्थना है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, इसमें संवेदनशीलता बरतते हुए इन सभी व्यापारियों को कुछ ढील दी जाए, 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे जितना भी मुमकिन हो उसमें माननीय मुख्यमंत्री कर्फ्यू में ढील देवे। कोविड-19 की पालना हर व्यापारी करता है, लेकिन व्यापारी पे ही जुर्माना क्यों, व्यापारी पे दंड क्यों? क्या व्यापारी ही ये सारे काम करता है? मैं निवेदन करूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आम आदमी समस्याओं देखते हुए, इस क्षेत्र की समस्याओं देखते हुए, हमारा क्षेत्र बेसिकली फौजी एरियों का है, यहाँ फौजी निवास करते हैं, इस फौज के हमारे माननीय परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खत्रीवास डिपार्टमेंट के मालिक हैं, सैनिक कल्याण मंत्री हैं, इनको मैं निवेदन करूँगा कि माननीय आपने प्रताप सिंह जी का नाम लिया है, प्रताप सिंह जी का एरिया आपके सामने ही लगता है। वो कल जब बीसी थी, जब मंत्रियों के साथ बीसी थी, लॉकडाउन के पक्ष में नहीं थे, गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई मंत्री लॉकडाउन के पक्ष में नहीं थे, उसके बाद भी IAS IPS और कुछ व्यापारियों की राय से लॉकडाउन लगाया गया है, यानी मंत्रिमंडल पक्ष में नहीं फिर भी सरकार ने लॉकडाउन लगाया, किस नज़रिए से देखते हैं? ये पक्षपातपूर्ण रवैया है। माननीय प्रताप सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हाँ साहब 4 घंटे ही दुकान खुलेगी, 6 घंटे दुकान ये खुलेगी, लेकिन रात को 2 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने IAS लॉबी से बैठ के इस तरह का लॉकडाउन किया है जो पक्षपातपूर्ण है। हम इसके बिल्कुल विरोध में हैं,
हमारे प्रार्थना है कि जिस तरह से माननीय मंत्री महोदय ने प्रताप सिंह ने बताया उनकी बात माननी चाहिए, मानकर इन व्यापारियों की दुकानें खुलानी चाहिए। इसके लिए 4 घंटे 6 घंटे का समय दीजिए, ये निवेदन है मेरा। 3 मई तक का जो नियम आया है क्या लगता है संशोधन होना चाहिए? बिल्कुल संशोधन होना चाहिए। मीट व्यापारी का आपने मुद्दा उठाया है, मीट बंद होने से मार्केट को क्या फर्क पड़ेगा? मार्केट फर्क ये पड़ेगा कि आदमी की इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, खाएगा तो बढ़ेगी। अब जब सब्जी दुकान खुली है और नॉनवेज की बंद पड़ी है, आज ठाकरों का एरिया पूरा ठाकरों ठाकरों रखा मीट खाता है, नवरात्र चल रहा है, माता चढ़ता है बकरा, तो हमारा निवेदन ये भी खुलना चाहिए हर दुकान के लिए। 4 घंटे 6 घंटे का टाइम तय करना चाहिए, हमारी प्रार्थना ये है। और व्यापारी मेरे साथ है, सर क्या नुकसान है 3 तारीख तक लॉकडाउन है? बहुत बड़ा नुकसान है, हम किराया भाड़ा कैसे दे पाएंगे? और बिल्कुल ही बंद कर दिया, हमारे को 4-5 घंटे का टाइम दिया जाए कि भाई आप 4 घंटे से 5 घंटे तक आप इस तरह से काम कर सकते हैं, तो लोगों को दे दें। हम लोग अभी रोजे भी चल रहे हैं हमारे, हर लोगों को चाहिए मटन वगैरह चिकन वगैरह सबको, रोजे नवरात्र एक साथ चल रहे हैं, तो सब लोगों को ध्यान में रखते हुए काम को करना चाहिए सर, मेरी प्रार्थना है। क्या प्रॉब्लम है? सर मेरा साउंड का काम है और साउंड पिछले 3 महीने से बंद पड़ा है, मेरा वैसे ही सीजनेबल काम है और मेरा कल से सावे चालू हो रहे हैं, लोगों से साई ली हुई है और अभी तक मेरी सारी साइयाँ कैंसिल हो रही है, और 50 आदमियों का जो इन्होंने रखा था तो कम से कम 50 आदमियों का तो रखे, मेरा साउंड लाइन भी बंद क्यों कर रहे हैं? अब ये पिछले 3 महीने से बंद पड़ा था, कल से मेरा साउंड चालू था और मुख्यमंत्री साहब ने ये लॉकडाउन लगा दिया, तो मेरा यही निवेदन है कि कम से कम 100-150 आदमियों की वो गैदरिंग रखें, दुकान खुलने दें। शाम को 6 बजे तक का इनका था, हम उससे सहमत थे, भाई जान है तो जहान है, हम उनके विरोध में नहीं है, लेकिन कम से कम इतना रखें कि कम से कम दुकान खोलने की अनुमति दे हमारे को। भवानी सिंह जी, आप हमेशा व्यापारियों के पक्ष में रहते हैं, पहले भी आपने एक कॉलोनी का गेट नहीं खोलने पर आत्मदाह तक की चेतावनी दे डाली थी, अगर अब प्रतिष्ठानों में खोलने में सरकार ने कोई परिवर्तन नहीं किया क्या रुक रहेगा? अब भी परहेज नहीं करेंगे हम, तो हम व्यापारी के हित में बात करेंगे, हम कहेंगे इसमें लॉकडाउन में 4 घंटे 6 घंटे की छूट दीजिए, जिससे आम व्यापारी का कम से कम जीवन पेट पर्यंत हो, बच्चे पलें, कम से कम ये निवेदन है मेरा। गवर्नमेंट ने जो बोला कि बिल्डिंग मेटेरियल कंस्ट्रक्शन का काम चालू रहेगा, लेकिन किस आधार पे कैसे माल जाएगा जब दुकान ओपन है, ऑफ है हमारी, तो कैसे जाएगा माल, किस आधार पे? मटेरियल की दुकान है आप? हाँ मेरी बिल्डिंग मेटेरियल की दुकान है, इस तरफ गवर्नमेंट कहती है कि निर्माण कार्य चालू रहेगा, अब जो दुकानें ऑफ है खोलने नहीं दे तो माल कैसे जाएगा, कैसे मजदूर कमा के खाए? बिल्कुल बड़ी ही अजीब समस्या है कि व्यापारी ही कैसे कमाएगा कैसे खाएगा, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान बंद है लेकिन मजदूर मजदूरी कर सकेगा। यही बात करें अगर राजस्थान सरकार की खुद की योजना चिरंजीव योजना की, तो ई मित्र बंद है लेकिन चिरंजीव योजना के इंश्योरेंस होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ विवेक सिंह जाधव, मरुधर बुलेटिन।